नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी मार्केट पर एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं बुलेटिन में। आगे आरबीआई का एक बड़ा बयान आया है कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को लेकर, ये खबर हम आपको बताएंगे। और साथ ही अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, और खबर यह है कि आरबीआई का कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के ऊपर एक बड़ा बयान आया है। आरबीआई ने कहा है कि अब तक कमोडिटी फ्यूचर मार्केट से किसानों को बड़ा फायदा नहीं हुआ है। तो एक बड़ा बयान फ्यूचर मार्केट को लेकर आरबीआई की तरफ से। और आपको बता दें कि दिसंबर 2003 के आसपास कमोडिटी का वायदा कारोबार शुरू हुआ था, यानी आरबीआई का ये कहना है कि 13 साल में किसानों का अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बयान इसलिए है क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को लॉन्च ही इसलिए किया गया था कि किसानों को फायदा हो और रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर ये फ्यूचर मार्केट लॉन्च किया गया था, प्राइस डिस्कवरी के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण बात कही, एक बड़ा बयान दिया है कि फ्यूचर मार्केट से अब तक किसानों को बड़ा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन आरबीआई ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। आरबीआई ने कहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से किसानों को फायदा होगा और रिस्क मैनेजमेंट में किसानों को मदद मिलेगी। दो महत्वपूर्ण बात आज आरबीआई की तरफ से कही गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट शिव कुमार गोयल जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आरबीआई के इस बयान पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? धन्यवाद। मेरा ये मत है कि कमोडिटी एक्सचेंजेस के आने के बाद किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्राइस डिस्कवरी के लिए है, और कमोडिटी मार्केट आने के बाद छोटी छोटी मंडियों में भी प्राइस के टिकर लगे हुए हैं, टिकर प्लांट लगे हुए हैं, और किसान अपना माल तब तक नहीं बेचता जब तक कि वो टिकर पे अपने रेट नहीं देख लेता। तो उससे जब टिकर प्लांट पे उसको उस चीज के दाम दिखने लगते हैं तब वो माल बेचता है। तो प्राइस डिस्कवरी वाला जो मेन फंक्शन है वो सारे कमोडिटी एक्सचेंजेस ने पूरा किया है। हमने छोटी छोटी मंडियों में जाके देखा है, चाहे वो चिली है या सब्जी है, उसमें हर आइटम में किसान जो भी माल बेच रहा है वो रेट को देखने के बाद बेच रहा है। जी, लेकिन मिस्टर गोयल, लेकिन इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि जो आरबीआई ने कहा है आप उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, आप सहमत नहीं है उससे? नहीं, मैं जो दूसरा उनका बयान है, आरबीआई ने बोला ऑप्शन के आने के बाद फायदा होगा, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ। पहले बयान से सहमत नहीं है आप? पहले बयान से आप सहमत नहीं है? नहीं हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें और करने की आवश्यकता है, और करने की आवश्यकता है ताकि ये इसमें क्या है कि किसान डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, तो हमें एग्रीगेटर लाने पड़ेंगे। लेकिन वो आज भले ही आरबीआई ने ये बात कही हो, लेकिन बीच बीच में सवाल खड़े होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। कई कमोडिटीज के वायदा कारोबार को बंद कर दिया गया, एब्रप्टली बंद किया गया, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कई बार फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर कि बाजार में सट्टेबाजी हो रही है और अनावश्यक रूप से कीमतों में उतार चढ़ाव किया जा रहा है, जो मेन पर्पस है प्राइस डिस्कवरी का वो सॉल्व नहीं हो रहा है। ये बात सिर्फ आरबीआई ने नहीं बल्कि और भी कई तरह के लोगों ने यहाँ पर ये बात कही है। ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो कमोडिटी मार्केट्स हैं वो क्लियरली प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, वो प्राइस की ट्रेंड दिखाते हैं। यदि आज की डेट में किसान को अगले 3 महीने 4 महीने के भाव दिख रहे हैं वो एक ट्रेंड बताते हैं, और गवर्नमेंट को भी डाटा देते हैं और किसान को भी। किसान को उससे अपना क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड कर सकता है कि आने वाले 4 महीने के बाद उसका क्या भाव होने वाला है। तो यदि हम एक जो इंडिकेटर है, जो दर्पण है, जो आने वाली चीजों के रेट बता रहा है, उसको हम नहीं उसको निगेट करते हैं जो लेकिन है। मिस्टर गोयल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आरबीआई का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में महंगाई को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर एक्शन दिखा है और हाल ही में चने का वायदा कारोबार बंद किया गया है। क्या उस संदर्भ में अगर आरबीआई के इस बयान को देखें तो क्या जो कुछ और जरूरी कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है क्या उसके ऊपर भी गाज गिरने की आशंका आपको दिख रही है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जो प्राइस जो कमोडिटी मार्केट है वो प्राइस डिस्प्ले कर रहे हैं,
जिन चीजों को बैन किया गया है उसके कारण यदि उसके कारण यदि उसके बाद बैन करने के बाद रेट यदि महंगाई कम हुई हो ऐसा नहीं है, यदि जिस चीज को भी बैन किया है उसके बाद के प्राइस पैटर्न देख सकते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन है, न कि कमोडिटी एक्सचेंज के होने का। कमोडिटी एक्सचेंज तो सिर्फ प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मिस्टर गोयल, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होती है? देखिए, उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है जो सेबी है, जो नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स लगातार ला रहा है और कोई भी मैनिपुलेटर को वो नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई भी हो रहा है तो हमें यदि हमें प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और यदि कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी तरह की हो रही है उसके अगेंस्ट तक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्राइस जो एक्सचेंजेस है उन्होंने प्राइस डिस्कवरी का फंक्शन बहुत अच्छे से तरह से कर रहे हैं। किसान उसका फायदा उठा रहे हैं और इसमें हेजिंग जितने भी कॉटन पर्टिकुलरली कॉटन इन सारी एग्रीकल्चर आइटम में प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हेज कर रहे हैं और उसके कारण वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अपने आप को बचा पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर गोयल हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी खबर आरबीआई की तरफ से कही जा रही है और अभी इसी फ्यूचर ट्रेड को लगातार ट्रैक करते हैं। आपका कमेंट इसके ऊपर क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आरबीआई ने जो कहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसे सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर हम पिछला पूरा इतिहास देखें करीब 12 सालों का, तो उसमें हमने देखा है कहीं ना कहीं हर बार जहां तक के बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि किसानों के शामिल होने के लिए वो अपने आप को हेज कर सके, लेकिन जब भी कोई स्कैम निकल कर आता है वहां हम देखते हैं बड़ी बड़ी हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेज हैं, किसी कमोडिटीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके बाद सट्टेबाजी के कारण उसको रातों रात बंद कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आरबीआई की इस स्टेटमेंट से बिल्कुल असहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि जो सरकार ने जो उद्देश्य था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई है। पहले एफएमसी थी, उसके बाद सेबी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैकेनिज्म में कंट्रोल करने में अभी भी बहुत कमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात आरबीआई ने कही है इसको लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आज बाजार में किस तरह का एक्शन है। और क्रूड की बात करें तो यहां पर जोरदार तेजी आई है, क्योंकि नॉर्वे में हड़ताल के बाद क्रूड की सप्लाई घटने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है नॉर्वे, और यही वजह है कि सप्लाई घटने की आशंका ने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा बूस्ट दिया है। करीब 3.5% की तेजी है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता भी है इस पर बातचीत करने के लिए। जयप्रकाश, आपका कमेंट क्रूड के ऊपर क्या होगा? देखिए, जैसा एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसके कारण भाव में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखें तो 46 से $50 का एक दायरा बना हुआ है WTI का, तो ये 46 के आसपास से टर्न हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड बाकी है। हो सकता है 3350-3390 का लेवल भी देखने को मिल जाए, तो अभी बाई साइड में रहना ही अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चलें बट 3350-3390 का टारगेट पॉसिबल है एक से दो दिनों में देखने को मिले। ठीक है, तो जोरदार तेजी का दौर यहाँ पर दिखा है, $37.5 के आसपास है WTI क्रूड और ब्रेंट का भाव 48.5 के आसपास है, करीब 2.5% की तेजी है। शिव, आपका कमेंट क्या है क्रूड के ऊपर? मुझे लगता है कि बिल्कुल जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण इसमें थोड़ी बहुत तेजी और देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा था $50 का लेवल क्रूड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, करीब 80 से 100 रुपये तक की तेजी और देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर लगता है मुझे उसके बाद एक गिरावट का हम रुख देख सकते हैं, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में क्रूड में अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ठीक है, बाइंग की कॉल यहाँ पर क्रूड में दी गई है, जोरदार तेजी का दौर यहाँ पर दिखा है, करीब 3.25% ऊपर है। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं कोलकाता से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए विवेक। नमस्कार मिस्टर जी। नमस्कार, पूछिए सर। मैं चांदी के बारे में पूछना, चांदी के दो लॉट मैं चांदी का आउटलुक जानना चाहता हूँ। ओके, चांदी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, चांदी के ऊपर क्या कमेंट है आपका जयप्रकाश गुप्ता? देखिए, अभी ब्रेक्जिट के बाद जिस हिसाब से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, उसको ध्यान में रखें तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक बुलिश ट्रेंड है,
तो शॉर्ट करके ना चले मेरे ख्याल से। देखिए जिस जो ठीक लेवल्स है। हम लोगों ने देखा उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग है जिसके कारण थोड़ा सा भाव में नरमी है, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनी जब तक है बाई करके ही काम ओके। करें। हो सकता है 43,000 43,500 का लेवल देखने को मिले। प्रदीप है दिल्ली से और इनका सवाल, प्रदीप सवाल पूछा जाते हैं कमोडिटी मार्केट में। पूछे प्रदीप जी, पूछें अपना सवाल दोहराएंगे अपना। सर बाइंग अपने गोल्ड में, आपकी आवाज कट रही है, गोल्ड पे आप जानना चाह रहे हैं सर, क्या कमेंट है आपका गोल्ड के ऊपर? अगर गोल्ड में इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लगता है एक लंबी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आज से कल तक रह सकता है। तो मेरी राय में आज अगर आपको अपसाइड मिले तो आपको सेल करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, और 31,000 से नीचे भी भाव एक बार देखने को मिल सकता है। ओके।